भैया कैसे कीजिए तुम भैया, अरे ऐसे कीजिए ना। तो मांझी जी आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो हमने कहा बैठा मांझी जी। तो हम जब जाने लगे तो हमने कहा कि मांझी जी जिस कुर्सी पर हम बैठते थे उस कुर्सी पर हमने कहा कि आवा मांझी जी अब तू यहां बैठा। और उसके बाद जो पत्रकार लोगों ने उसकी तस्वीर ली और अगले दिन 8 कॉलम का हेडलाइन बना था, समझ गए, आठ कॉलम का हेडलाइन बन करके फ्रंट पेज पर सारे अखबारों ने यह छापा कि हमने अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। अब बाद में कौर को बैठाए थे लेकिन खैर तो अलग चीज। लेकिन दशरथ मांझी जी को सांकेतिक तौर पर हमने कुर्सी पर बैठा दिया और उस आदमी के में कितनी बड़ी बात, निरंतर संपर्क में रहे। तबीयत खराब हुई उनका इलाज भी करवाया और दिल्ली भी गए देखने, सब तरह से करते थे, नहीं रहे। अरे आज जो आया उसको आज न कल तो जाना ही है। के बीच में एक्सपेंड किया महिलाओं के बीच में, अब कितना लाभ हो रहा है अब जरा बताइए। उसमें एक था वो जो लोग सजावट वगैरह का जो काम करते हैं, शादी विवाह में क्या होता था शहर उहर में, जो उसको क्या कहते हैं सजावट वाला जो करता है, ब्यूटी पार्लर। हम लोगों को तो ब्यूटी पार्लर से मतलब नहीं रहा इसलिए दिल में नाम भी नहीं है, लेकिन ब्यूटी पार्लर शहर में रहता था। और अब आप जरा जा करके देख लीजिए, बहुत लोग यहाँ गांव के रहने वाले हैं, अब गांव में भी कई जगहों पर चल रहा है। अब शादी विवाह होता है उसके पहले सबको सजाया जाता है ब्यूटी पार्लर, अब कितना उसको काम मिल गया, महिलाएं प्रशिक्षित हो गई, हुनरमंद हो गई। अरे वो जो नया सोशल मीडिया आ गया है ना उस पर यही चलता रहता है, न जाने क्या क्या कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता, हम तो भाई देखने नहीं जाते। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत देखिए हम फिर क्या शब्द का प्रयोग करता है, ऐसी भाषा का लोग प्रयोग करते हैं और चल रहा है। तो उसके चलते धीरे धीरे क्या होना, धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बिगड़ जाएगा। लिखने में अगर होगा तो ही बोली में आ जाएगी बात, जब बोली में आ जाएगी बात तो आपका सम्मान घटता चला जाएगा। तो व्यवहार कौशल भी उसका अंग है हमारे कुशल युवा कार्यक्रम।